साथियों नमस्कार। साथियों, कल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड है। आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। हम कुछ अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ बेनतियां करना चाहेंगे। हम आपकी भावना की कदर करते हैं कि हमारे मन मापिक रूट हमें नहीं मिला, लेकिन ये भी सच है कि जैसे पहले हमें शंका थी कि दिल्ली में सरकार घुसने नहीं देगी, पहले बैरिकेड लगाएगी, और हमने ऐलान किया था कि सारे बैरिकेड तोड़ेंगे, उससे सरकार पीछे हटी है और सरकार ने खुद बैरिकेड हटाने के लिए मान गई है और दिल्ली के अंदर जो है वो उन्होंने घुसने की इजाज़त दी है, दिल्ली के अंदर परेड करने की इजाज़त दी है। लेकिन जहां हम रिंग रोड पे कह रहे थे वो हमारी भावना के अनुरूप नहीं मिला है। लेकिन मैं बेनती करना चाहूँगा कि 100 संगठन काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें आपस में समझौता करके कहीं ना कहीं हमने अपनी भावनाओं को दूसरे की भावनाओं से मिला के चलना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि इस आंदोलन में कुछ गड़बड़ी हो। अगर आंदोलन में गड़बड़ी होती है तो यह आंदोलन टूट जाएगा। पिछले आंदोलनों का आप इतिहास देखिए, जहाँ पे आंदोलन में लाठी गोली चली है वो आंदोलन टूट गया। हरियाणा के कई आंदोलन आपके गवाह हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, हम आपके गुस्से की, आपके जोश की कदर करते हैं। हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों के जोश की कदर करते हैं जो इतने दूर से ट्रैक्टर लेके आए, इतने जोश में आए, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन हमें अनुशासन में रहना है, जो रूट तय किए गए हैं हमें उन्हीं पर जाना है, उसके अलावा कोई अपनी मर्जी से कोई रास्ता ना चुने। मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। इसके साथ ही कुछ हम हिदायतें करना चाहेंगे, उनका सभी भाई ध्यान रखें। उसमें जो अंदर जाना है वो केवल ट्रैक्टर जाने हैं, ट्रैलियाँ अंदर नहीं जानी हैं, और अपना जो राशन पानी है वो साथ में लेके जाना है। और किसान मोर्चे की अपील है कि आप राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं, आप पार्टी का झंडा जो है संगठन का झंडा लगा सकते हैं और राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं, किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। और अपने साथ में कोई हथियार, लाठी, जेड़ी ऐसा कुछ नहीं रखना है, कोई भड़काऊ बात नहीं करनी है, कोई नेगेटिव किसी के बारे में कोई नहीं करना है, और जो है किसी पुलिस वाले के साथ हमने नहीं टकराना है। आगे जो है वो किसान नेताओं की गाड़ियां रहेंगी और परेड का जो रूट है सब ने उसी पे चलना है, सब ने पालना करनी है उस असूलों की, उससे बाहर कोई ना जाए हमारी प्रार्थना है। और कोई बीच में ना रुके, कोई नशा ना करे, कोई ट्रैक्टर को भगा के एक दूसरे से आगे ना निकाले, एक ट्रैक्टर पे केवल 5 सवारियां हों, कोई बोनट में बैठ के उसकी सेल्फियां ना ले ताकि कोई नुकसान ना हो जाए, सभी लाइनों में ट्रैक्टर चलाएं, भगा के एक दूसरे से आगे ना निकालें, डैक बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज में ना चलाएं, किसी प्रकार का नशा परेड में ना करें। और जो गणतंत्र दिवस है हमने इसकी शोभा बढ़ानी है, किसी सिपाही से इससे झगड़ा ना करें। और कोई भी दिक्कत आने पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पुलिस के कंट्रोल रूम का नंबर 112, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक कंट्रोल रूम का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो है, उसको कृपया नोट करें सभी, 7428384230, दोबारा 7428384230। सब ने हमारी बेनती कबूल करनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।